हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो को थ्रू हम लोग जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया? हीरे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, बताइए। तो देखिए, अगर बात करें डायमंड की, तो डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वाला कौन सा स्टेट है भाई? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, बताइए। वीट दैट मीन्स गेहूं का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वाला देश कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। हु एस्टेब्लिश्ड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन, बताइए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, श्याम जी कृष्ण वर्मा या फिर सुभाष चंद्र बोस? ऑप्शन नंबर सी, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन पूना, बताइए। होम रूल मूवमेंट जो है पूना में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बाल गंगाधर तिलक। द टर्म होम रूल वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, ये जो टर्म है होम रूल, ये कौन से देश से अडॉप्ट किया गया है, कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड द गदर पार्टी, बताइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? GHADAR होगा, ठीक है, बताइए। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी किसके द्वारा भाई? लाला हरदयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, बताइए। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर ये हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 14th of March। अगला क्वेश्चन है, नायाब सैनी वॉज स्वर्न इन एज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ, बताइए। नायाब सैनी जो हैं ये कौन से राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, और इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे आपके मनोहर लाल खट्टर, और अभी हैं हरियाणा के नायाब सैनी, ठीक है। और अभी झारखंड के भी रिसेंटली चेंज हुए थे, हेमंत सोरेन से चंपई सोरेन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड कोचरब आश्रम इन March 2024, बताइए। कोचरब आश्रम जो है इसको किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन, कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो ये है उपाधि दी गई फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन? ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इसको माना जाता है। तो आप अब समझ गए होंगे कौन सी एयरपोर्ट की बात हो रही है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भैया कहाँ है आपका, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर कौन थे? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय, बताइए। जल शक्ति अभियान जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये कैंपेन 2024 में? गजेंद्र सिंह शेखावत, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू? तो ये जो है भाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, बताइए। रिसेंटली किसको सम्मानित किया गया है विद द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीता अंबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024,
ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया? नंबर वन पे रही आपकी कौन सी देश? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इंडिया का रैंक जो है 42। बैटल ऑफ खतौली फॉट इन विच ईयर? बताइए खतौली का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1517। व्हाट इज द फोकस ऑफ सवेरा प्रोग्राम लॉन्च इन हरियाणा? हरियाणा में जो सवेरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तो बेसिकली किस चीज पे फोकस करने के लिए? डायबिटीज मैनेजमेंट, ब्रेस्ट कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, या फिर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस? कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, फॉर द फोकस ऑन ब्रेस्ट कैंसर। व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी। पन्ना लाल घोष इज रिलेटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पन्ना लाल घोष का संबंध कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? बांसुरी। अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अमजद अली खान का संबंध कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? ये आपके रिलेटेड है सरोद से। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स? इस बुक के ऑथर कौन है? लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर सी, राशिद किदवाई। ठीक है, तो वीडियो का इवेंट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।